नरेंद्र मोदी जी आपके बाप का राज है क्या कि लूटोगे खाओगे खुद 15-15 लाख के सूट पहनोगे, जो डीजल मिलता है पेट्रोल 30-32 रुपए में मिलता है उसको आप 90 से 100-100 रुपया बेच रहे हो, आपके बाप का राज है क्या? आपके बाप दादा ही लेके आए थे क्या प्रॉपर्टी? आपके तो मैं चाय बेचने वाला था। नरेंद्र मोदी जी कितने चाय बेचने वाले 15-15 लाख का सूट पहनते हैं, और वो किसान है, वो कल भी फटी धोती में था, आज भी फटी धोती में था, फिर कहां से आप जनता के तेजी हो गए कि नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़ करके सर झुका करके और माफी मांगनी चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैं अहंकार में आ गया था और मैं माफी मांगता हूं, मैं इन बिलों को वापस लेता हूं। कि नरेंद्र मोदी जी को भी यह अहंकार नहीं रखना चाहिए, यह जनता उठा के ऐसा पटक देगी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और वही लोग जो आज मोदी मोदी कर रहे हैं, जो आज जयकारे लगा रहे हैं, वही उनको गाली देते हुए नजर आएंगे कि इस मोदी के कारण हम बर्बाद हो गए, सब कुछ लूट गए, जनता की गालियां खा रहे हैं, वो सब के सब कहना पड़ेगा। किसान है उसके तन पे कपड़ा नहीं है, मजदूर के तन पे कपड़ा नहीं है, आप घूम रहे हो वहां 30 तरह के व्यंजन खा रहे हो, वो सूखी रोटी खा रहा है, और किसान ने अगर पिज्जा खा लिया तो उसको सोशल मीडिया पर चलाते हो, पिज्जा क्यों खा लिया? क्योंकि भाई आपको ही अधिकार है पिज्जा खाने का, आपको ही अधिकार है कूलर में सोने का, आपको ही अधिकार है एसी में रहने का, आपको ही अधिकार है पैंट शर्ट पहनने का। और प्रधानमंत्री जी को इतना अहंकार हो गया है कि मैंने जो बिल लिया भला उसका विरोध किसी ने क्यों कर दिया? उस अहंकार में वहां कीले लगा दी जाती हैं, वहां पे ऐसे ऐसे बैरिकेड बना दिए जाते हैं, वहां पे ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान की कोई सेना अटैक करने आने वाली हो, उससे ज्यादा वहां पे सुरक्षा के इंतजाम करे जा रहे हैं, और इस बात का पाप लगेगा। और आपको मैं तो कहता हूं कि देखना इसी जिंदगी में रहते रहते आपको सजा भुगत के जानी पड़ेगी। वास्तव में जनता विरोध में आने लगे, जब वास्तव में राजा को लगे कि सड़क पे जनता उतरने लगी है, तो उस अहंकारी राजा को तुरंत उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके समाधान करना चाहिए, वरना जनता उसको उठा के कुर्सी से मोदा पटक देगी। ये उस राजा को ध्यान रखना चाहिए। मैंने पहले भी मांग की और आज भी सरकार से मांग कर रहा हूँ, आखिर बोलेगा कि राजस्थान हमारा ये किसान है जो पानी से बहुत परेशान है, हमारा बहुत सा क्षेत्र डार्क जोन में, मैंने पहले भी कहा कि सड़कों पे बजट दे रहे हैं, दूसरी चीजों पे बजट दे रहे हैं, आप नदियों का पानी जो व्यर्थ बह जाता है बरसात के दिनों के अंदर, अगर उस पानी को ही लाया जाए, चंबल ही है हमारे यहाँ, चंबल भी खतरे के निशान से बहती है सभापति महोदय बारिश के दिनों में, यमुना का पानी है वो खतरे के निशान से यमुना बहती है, हरियाणा के अंदर पंजाब वाले पानी छोड़ देते नहरों में, वो लोगों के खेतों में भर जाता है पानी, और वो वहां का जो कोई MLA का चुनाव लड़ता है वो ये कहता है कि मैं आपके खेत में ये पानी नहीं आने दूंगा, दादा आपकी फसल खराब नहीं होने दूंगा, मैं इसको रोकूंगा। मैं कहना चाहता हूं एक तरफ तो वहां पे बाढ़ आ रही है, यहाँ बिहार में देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, उस बाढ़ से राहत के लिए कोष दिया जाता है, और दूसरी तरफ राजस्थान का किसान पिसाया मर रहा है, राजस्थान की जनता पिसाई मर रही है। तो मैंने कहा, पहले भी कहा, हिंदुस्तान की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, एक बार भगवान के लिए कुछ समय के लिए और चीजों पे बजट रोक करके, और एक बार इस किसान के पानी के लिए आप बजट दे दो, और किसान के खेत तक इस पानी को पहुंचा दो, फिर इस देश की तरक्की किसान ही कर देगा, और जो किसान के बेटे हैं बेरोजगार हैं उनको आप रोजगार दे दो, किसान की फसल को खरीद लो, किसान को सस्ते दाम पे डीजल दे दो, किसान को बिजली मुफ्त दे दो, गरीब को बिजली मुफ्त दे दो, तो वो जब वो खुशहाल हो जाएगा सभापति महोदय, किसान खुशहाल हो जाएगा, मजदूर खुशहाल हो जाएगा, तो फिर अपने आप ही देश खुशहाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पता नहीं, मैं समझता हूँ देश को खुश करने का मतलब सरकारें क्या समझती हैं, देश जो बना है वो यहाँ पे रहने वाले लोगों से सभापति महोदय देश बना है, अगर वहां के लोग खुश नहीं है, अगर वहां के लोग संतुष्ट नहीं है, तो वो देश पर कैसे खुशहाल हो सकता है? सिर्फ झूठे नारे लगाने से, झूठी बातें करने से कोई देश खुश नहीं हो जाता। सभापति महोदय किसान पढ़े, अलग अलग बॉर्डर पे पढ़े, 2 मिनट में कर रहा हूं, सभापति महोदय अलग अलग बॉर्डर पे पढ़े, बच्चे उनके बैठे हैं, महिलाएं वहां पे बैठी हैं, विनती कर रहे हैं बेचारे कि साहब ये 3 जो बिल लाई है केंद्र सरकार, इससे हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी मंडियां बर्बाद हो जाएगी, प्रधानमंत्री जी इन 3 बिल को वापस ले लो। और प्रधानमंत्री जी को इतना अहंकार हो गया है कि मैंने जो बिल लिया आया भला उसका विरोध किसी ने क्यों कर दिया? उस अहंकार में वहां कीलें लगा दी जाती हैं, वहां पे ऐसे ऐसे
बैरिकेड बना दिए जाते हैं, वहां पे ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान की कोई सेना अटैक करने आने वाली हो, उससे ज्यादा वहां पे सुरक्षा के इंतजाम करे जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, किसी भी राजा का विनाश आ जाता है ना, विनाश आ जाता है, तब वो इस प्रकार का एक्ट करता है कि मैं जनता की मांग को नहीं सुनूंगा, मेरा करना है जो कर लीजिए। चाणक्य ने भी कहा है कि अगर वास्तव में जनता विरोध में आने लगे, जब वास्तव में राजा को लगे कि सड़क पे जनता उतरने लगी है, तो उस अहंकारी राजा को तुरंत उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके समाधान करना चाहिए, वरना जनता उसको उठा के कुर्सी से मोदा पटक देगी। ये उस राजा को ध्यान रखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं मेरे इस सदन से कि नरेंद्र मोदी जी को भी यह अहंकार नहीं रखना चाहिए, ये जनता उठा के ऐसा पटक देगी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और वही लोग जो आज मोदी मोदी कर रहे हैं, जो आज जयकारे लगा रहे हैं, वही उनको गाली देते हुए नजर आएंगे कि इस मोदी के कारण हम बर्बाद हो गए, सब कुछ लूट गए, जनता की गालियां खा रहे हैं, वो सब के सब कहना पड़ेगा। सभापति महोदय, भाड़े के टट्टू रख रखे हैं, सोशल मीडिया पर रख रखे हैं, वो मोदी मोदी करते हैं, वो उसकी बड़ाई करते हैं, वो भड़ाई करते हैं। और मैं कहता हूं ऐसे ही चाटुकार, और कुछ चाटुकार होते हैं, वही उसको मरवाते हैं, वही उसको बर्बाद करवाते हैं। और यही हश्र आप देखना सभापति महोदय, ये केंद्र सरकार का होने वाला है। इसलिए मैं तो मांग करता हूं यहां से कि नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़ करके और सर झुका करके और माफी मांगनी चाहिए देश के किसानों से कि मुझसे गलती हो गई, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैं अहंकार में आ गया था, और मैं माफी मांगता हूं, मैं इन बिलों को वापस लेता हूं, और एमएसपी पे पूरी फसलों को खरीदे, और जो डीजल पेट्रोल पे टैक्स लगा रखा है दुनिया भर का, सभापति महोदय जो डीजल मिलता है पेट्रोल 30-32 रुपए में मिलता है, उसको आप 90 से 100 रुपए बेच रहे हो, आपके बाप का राज है क्या कि लूटोगे खाओगे, खुद 15-15 लाख के सूट पहनोगे, किसान है उसके तन पे कपड़ा नहीं है, मजदूर के तन पे कपड़ा नहीं है, आप घूम रहे हो वहां 36 तरह के व्यंजन खा रहे हो, वो सूखी रोटी खा रहा है, और किसान ने अगर पिज्जा खा लिया तो उसको सोशल मीडिया पर चलाते हो पिज्जा क्यों खा लिया, क्योंकि भाई आपको ही अधिकार है पिज्जा खाने का, आपको ही अधिकार है कूलर में सोने का, आपको ही अधिकार है एसी में रहने का, आपको ही अधिकार है पैंट शर्ट पहनने का, आपके बाप दादा ही लेके आए थे क्या प्रॉपर्टी, आपके तो मैं चाय बेचने वाला था। मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, कितने चाय बेचने वाले 15-15 लाख का सूट पहनते हैं, और वो किसान है, वो कल भी फटी धोती में था, आज भी फटी धोती में था, फिर कहाँ से आप जनता के तेजी हो गए, आपने मूर्ख बनाया, भावनाओं को भड़काया जनता की को, और आप जनता को भड़का के वहां बैठ गए, और इस बात का पाप लगेगा, और आपको मैं तो कहता हूँ कि देखना इसी जिंदगी में रहते रहते आपको सजा भुगत के जानी पड़ेगी, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सभापति मोदी।